अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपको चिकन कोफ्ता करी बनाना सिखाएंगे। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर चिकन मौजूद है 1 kg। ये बोनलेस हमने लेना है, यूज़ करना है बग़ैर हड्डी के। इसकी छोटी छोटी बोटी कर लेनी है और इसके बाद हम इसे मिक्सी में ऐड करेंगे। स्पाइसेस मेरे पास यहाँ पर 1 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1 tablespoon धनिया पाउडर, 1 tablespoon सॉल्ट, हल्दी पाउडर 1 teaspoon, रेड चिली फ्लेक्स 1 teaspoon, और यहाँ पर मेरे पास भुने हुए चने हैं उसका मैंने पाउडर बना लिया, ये देखें, ये भी 1 tablespoon ये यूज़ होगा इसमें। ग्रीन चिलीज 7 to 8, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 tablespoon, और 1 medium size का अनियन ले लेंगे, इसे चॉप कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हम मिक्सी में ऐड कर रहे हैं, ये हम सारे अनियन, ग्रीन चिलीज और लहसुन अदरक इसमें ऐड कर देंगे। ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करूंगी। ये 1 kg चिकन बोनलेस जो हमने करवाया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे मिक्सी के साथ, ताकि हम इसकी शेप दे सकें अच्छे सी कोफ्तों की। ये देखें व्यूवर्स, ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। ये 1 by 1 इसके अब हम कोफ्ते रेडी कर लेंगे और इन्हें फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ मैंने एक देगची ली है, इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी और साथ साथ इसकी फ्राइंग करेंगे। ये ऐसे हम हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और छोटे छोटे से इसके बॉल बनाकर इसे हम ऑयल में ऐड करते जाएंगे। ये हमारे डन होते जाएंगे और मैं इसे निकालती जा रही हूँ साथ साथ एक बॉल में। ये देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर आ रहा है इसको, हमारे चिकन के कोफ्तों को। ये देखें व्यूवर्स, हमारे चिकन कोफ्ता रेडी हो गए हैं। अब मैं इसकी ग्रेवी रेडी करूंगी। उसी ऑयल में हम 2 medium size की अनियन ऐड करेंगे चॉप्ड, और इसको मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करूंगी। प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के बाद देखें ऐसे इसमें हम 5 से 6 अदद आलू दरमियाने साइज़ की ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो इसमें ऐड कर दें, अदरवाइज स्किप कर दें इसे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इसे।
इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम सोते करेंगे। इसमें मैं 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर ऐसे ही ऐड करूँगी। हम बाद में इसका छिलका जो है वो पील कर देंगे और ये ग्रेवी की शक्ल में बन जाएगा। ऐसे ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं साबुत। ये देखें जी, इसकी स्किन खुद ब खुद अलग हो गई है और हम इसे निकाल देंगे भाई। ये देखें, अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। कोई सा भी आप कोफ्ता मसाला ले लें उसका हम 1 टेबल स्पून यूज़ करेंगे। ये ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप कर दें। ये 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चिली साबुत ही हम इसमें ऐड करेंगे 5 to 6। ये देखें जी, ये हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। अब मैंने इसमें ये जो मैंने चिकन के कोफ्ते बनाए थे वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हमने दम पे रख देना है, कवर करके रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए और ये हमारी चिकन कोफ्ता करी रेडी हो जाएगी। अच्छे से इसके बुनाई करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। और इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर मैंने इसे कवर करके रखना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद हमारी करी रेडी हो जाएगी। ये देखें व्यूवर, हमारी चिकन कोफ्ता करी रेडी हो गई है। आपने इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना है और हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके।